हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ। इस चैनल में मैं आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट्स देता हूं। तो आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ बाय बेसिल, दैट इज़ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड 2021। और जो फाइल नंबर है वो है BECIL/HR/CAQM/advertisement2021/76। और जो रिलीज डेट था एडवर्टीजमेंट लेटर का वो था 13 अगस्त 2021। और पोस्ट देख लेते हैं, तो पोस्ट सीनियर कंसल्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये PhD इन साइंस और टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मैनेजमेंट में, और मास्टर डिग्री इन साइंस और बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मैनेजमेंट में, और रिटायर्ड एम्प्लॉय जो सर्व किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में जिसका पे स्केल 11 था एज पर 7 CPC, मोर देन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो मंथली रेमुनरेशन मिलेगा सीनियर कंसल्टेंट इन एनवायरमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी उसका 80,000 पर मंथ है। अब नेक्स्ट है कंसल्टेंट इन एनवायरमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी में जिसमें PhD करना चाहिए साइंस या टेक्नोलॉजी में, और मास्टर डिग्री इन साइंस और बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरमेंट मैनेजमेंट में, और रिटायर्ड एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया या ऑटोनोमस बॉडी में और जिसका पे स्केल लेवल 10 था एज पर 7 CPC, उसका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, और इसमें जो मंथली रेमुनरेशन मिलेगा उसको 60,000 पर मंथ मिलेगा कंसल्टेंट इन एनवायरमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट है सीनियर कंसल्टेंट इन लॉ, इसका मास्टर डिग्री होना चाहिए लॉ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरमेंट रिलेटेड लीगल मैटर्स, और बैचलर डिग्री लॉ में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरमेंटल रिलेटेड लीगल मैटर्स में, एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट, और रिटायर्ड एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में काम किया है जिसका पे स्केल लेवल 11 था या ज़्यादा था उससे एज पर 7 CPC, उसका मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनवायरमेंट रिलेटेड लीगल मैटर्स। और सैलरी फॉर सीनियर कंसल्टेंट इन लॉ है 80,000 पर मंथ। अब नेक्स्ट है कंसल्टेंट इन अकाउंट, तो इसका मास्टर डिग्री होना चाहिए इन कॉमर्स विथ मोर देन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ मोर देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ अकाउंट्स, और रिटायर्ड एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में जिसका पे स्केल लेवल 10 था या उससे ज़्यादा एज पर 7 CPC, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड ऑफ अकाउंट्स ऑडिट और रिलेटेड वर्क। और सैलरी फॉर कंसल्टेंट इन अकाउंट्स है 60,000 पर मंथ। नाउ नेक्स्ट है जूनियर कंसल्टेंट इन OL, इसका क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल विथ मोर देन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, और मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश विथ हिंदी में एज कंपलसरी और सेलेक्टिव सब्जेक्ट, और इसमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हिंदी ट्रांसलेशन और टाइपिंग वर्क, और रिटायर्ड एम्प्लॉय जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है उन लोग को जिसका पे स्केल लेवल 7 था और उससे ज़्यादा एज पर CPC, उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हिंदी ट्रांसलेशन वर्क, और जो मंथली रेन्यूमरेशन मिलेगा उसका 40,000 पर मंथ फॉर जूनियर कंसल्टेंट इन OL। नाउ नेक्स्ट है जूनियर कंसल्टेंट इन IT, इसका बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन IT, और मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हार्डवेयर नेटवर्किंग और अदर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंटरनेट रिलेटेड वर्क, या जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस में या ऑटोनोमस बॉडी में विद पे स्केल लेवल 7 या उससे ज़्यादा एज पर CPC काम किया है, मिनिमम मोर देन वन ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क में, और इसका पे स्केल है 30,000 पर मंथ। नाउ नेक्स्ट है कंसल्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन,
और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो रिटायर्ड एम्प्लॉय हु हैज सर्व्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में जिसका पे स्केल लेवल 10 इससे या उससे ज़्यादा एज पर 7 CPC और मिनिमम 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग ऑफिशियल मैटर्स। और इसका जो सैलरी है वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट पे ड्रॉन बाय हिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट माइनस हिज पेंशन। तो जो लास्ट जॉब इसने किया उसका रिटायरमेंट माइनस हिज पेंशन से इसका सैलरी डिसाइड होगा। और याद रखना टोटल वैकेंसीज 10 पोस्ट का है और स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा। जब कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने आएगा तब ट्रैवलिंग अलाउंस या DA कंपनी पे नहीं करेगा और कैंडिडेट को खुद बेयर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए पहले आपको बेसिल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, दैट इज़ www.basil.com या basilregistration.com। और कोई अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपको डॉक्यूमेंट्स जो देना है वो है आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या स्कैन इमेज अपलोड करना है। और रजिस्ट्रेशन, अगर आपने जैसे 2 पोस्ट के लिए अब 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। और जो फीस है वो डिफरेंट कास्ट के लिए वेरी करता है, जैसे जनरल के लिए 750 और ₹500 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट अप्लाइड, और OBC के लिए 750 दैट इज 750 और 500 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट अप्लाइड, ST/SC के लिए 450 और 300 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट, एक्स सर्विस मैन के लिए 750 एंड 500 एक्स्ट्रा, और वुमेन के लिए 750 एंड 500 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट, और EWS और PH के लिए 450 और 300 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट। तो ये था एप्लीकेशन फीस। कैंडिडेट्स को बोला गया कि वैलिड ईमेल आईडी देना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा इंटरव्यू का या आपका रिजल्ट का वो सब ईमेल आईडी में आएगा। और कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, फिर करियर ऑप्शन को चूज़ करना है, फिर एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट करना है जो कि 76 है, फिर बेसिक डिटेल्स डालना है, फिर एडुकेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, फिर अपना डॉक्यूमेंट्स ये सब स्कैन करके डालना है, फिर एक बार प्रीव्यू कर लेना, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने डाला है तो बाद में वो ऑल्टर नहीं होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा, तो डिटेल्स एकदम ध्यान से डालना, को ईमेल करना अपना स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू अ ईमेल आईडी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके ईमेल आईडी कॉपी करके वो कर सकते हो। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स को 100 KB से लेस में सब कुछ अपलोड करना है और JPG फॉर्मेट। और जो फीस पेमेंट है, फीस पेमेंट आपको ऑनलाइन करना, ऑफलाइन अलाउड नहीं है, कोई डिमांड ड्राफ्ट चेक ये सब नहीं चलेगा, बस ऑनलाइन पे करना है। और पे करने के बाद जो रिसिप्ट निकलेगा, ई रिसिप्ट, वो दिखाना है या भेजना है। फिर ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो कोई भी गलती अगर आपसे हुआ या आपका नेटवर्क चला गया कुछ भी हुआ तो वो सब कंपनी बेयर नहीं करेगा, कंपनी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एकदम ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट भी एकदम ध्यान से करना है। तो ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट जॉब बाय बेसिल, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड 2021। तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो एलिजिबल है इस जॉब के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।